शिव अपने गले में सांप क्यों धारण करते हैं? इस सवाल के दो जवाब हैं। पहला जवाब इस पौराणिक कथा में मिलता है। समुद्र मंथन के वक्त बाकी चीजों के साथ समुद्र से जहर भी निकला। इस विष को भगवान शिव ने विश्व के कल्याण हेतु ग्रहण कर लिया। माना जाता है कि वहां मौजूद प्राणियों में से कुछ सांपों ने भी भगवान शिव का अनुसरण करते हुए जहर का पान किया। सांपों के इस सेवा भाव को देखते हुए भगवान शिव ने वहां मौजूद सांपों के राजा वासुकी को अपने गले में स्थान दिया। पर हर पौराणिक कथा सहज तरीके से अपने अंदर एक बड़ा वैज्ञानिक तथ्य लिए होती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि शिव के गले में सांप होने का मतलब कुछ और है। शिव आदियोगी है, इसीलिए वो हर तरह के विष को भी एक निर्धारित जगह में रखने में समर्थ हैं। ऐसी जगह जहां से वो ना ही उनके शरीर को कोई नुकसान पहुंचाता है और ना ही संसार के लिए किसी तरह की परेशानी खड़ी करता है। शिव ने अपनी ही कुंडलिनी शक्ति का प्रयोग हलाहल को गले में ही रखने के लिए इस्तेमाल किया। यानी कुंडलिनी शक्ति ही भगवान शिव के गले में पड़ा सांप है। जिस तरह कुंडली मारे सांप को भी देखना मुश्किल होता है, इसी तरह आप कुंडलिनी में कैद इस ऊर्जा को सिर्फ तब देख पाते हैं जब आप उसे जगाते हैं। अगर आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो विद्वानों के मुताबिक आपके साथ अविश्वसनीय और चमत्कारी चीजें हो सकती हैं। एक बिल्कुल नई किस्म की ऊर्जा आपके अंदर भरने लगती है और आपका शरीर और प्रकृति बिल्कुल अलग तरीके से काम करने लगते हैं। शिव के साथ सांप को दिखाने का मतलब है उनकी ऊर्जा शिखर तक पहुंच चुकी है। माना जाता है कि सांप आपके सहज रहने पर आपके साथ बहुत आराम से रहता है। वो आपको कुछ नहीं करता। वो कुछ खास ऊर्जाओं के प्रति बहुत संवेदनशील भी होता है। सांप शिव के गले के चारों ओर लिपटा रहता है। शरीर में मौजूद 7 मूल चक्रों में से विशुद्ध चक्र गले के गड्ढे में मौजूद होता है। विशुद्ध चक्र जहर को रोकता है और सांप में जहर होता है। विशुद्ध शब्द का अर्थ है फिल्टर या छलनी। अगर आप साधना के जरिए अपने विशुद्ध चक्र को शक्तिशाली कर लेते हैं तो आपके अंदर शरीर में प्रवेश करने वाली हर चीज को छानने या शुद्ध करने की ताकत आ जाती है। शिव को विषकंठ या नीलकंठ भी कहा जाता है क्योंकि वो सारे जहर को छान लेते हैं। वो उसे अपने शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। जहर आपके अंदर सिर्फ भोजन के द्वारा ही नहीं जाता, वो कई तरीकों से आपके अंदर घुस सकता है। एक गलत विचार, एक गलत भावना, एक गलत कल्पना, एक गलत ऊर्जा या एक गलत आवेग आपके जीवन में जहर घोल सकता है। अगर आपका विशुद्ध चक्र सक्रिय है तो वो इन सभी को छान लेता है। यानी विशुद्धि के सक्रिय हो जाने पर व्यक्ति अंदर से इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसके आसपास जो भी होता है वो उस पर असर नहीं डालता। वो यानी कि व्यक्ति अपने अंदर स्थिर हो जाता है, यानी शिवमय हो जाता है।